श्रीकाल तुसीं देख रहे हो द एयर टीवी ते मैं हाँ मनप्रीत कौर। 18 अगस्त नूं सिनेमा घरां दे विच मूवी रिलीज़ होण जा रही है, पंजाबी मूवी जिहड़ी उह रिलीज़ होएगी, तो उसकी स्टारकास्ट अज जलंधर विच पहुँच चुकी है। जेकर मैं गल करां इस मूवी दे लीडिंग एक्टर की, तो खुद भी एक प्रोड्यूसर रह चुके ने जिन्हां दे नाल असीं गलबात करांगे। अमीक विरक साडे नाल मौजूद ने, गलबात उन्हां दे नाल करदे आ। सो प्रोड्यूसर तो हुण एक्टर तुसी एज अ इस मूवी दे विच काम कर रहे हो जूनियर दे विच, तां किवें दा एक्सपीरियंस है तुहाडा? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी, मैं सोच ही नहीं सकता सी कदी भी मैं एक्टिंग वाले पासे जाऊँगा। साडे कोई जिहड़ा इनर सर्कल हुंदा, कोर ग्रुप हुंदा फ्रेंड्स दा, ये उन्हां वल्लों एक मैनू सीगा कि भाई ट्राई करदे इहनू। ट्रायल बेसिस ते असीं सिर्फ 2-3 दिन दा शूट करना सीगा जी, तो उन्होंने मेरी एक्टिंग पास की, कहिंदे तू कर लैना। एक्शन का मैनू पता सीगा जी, मैं बहुत छोटे हुंदे तो मार्शल आर्ट्स करता आ रहा, तो मैनू एक्शन का सीगा यकीन मैं कर लाँगा। सो ये उन्होंने चीज़ों का कॉम्बीनेशन है जिदे करके असी अज 2 साल का ये सफ़र, इन्ना सारा एक्शन, इन्नी एग्जीक्यूशन, इन्ना कुछ असी करके अज थोड़े को रूबरू होए हैं। सो ये सिर्फ उन्होंने दिनों की तो उन्होंने दोस्तों की बदौलत है जी। ਸੀ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਯੂਜੂਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕੀ ਕਾਮੇਡੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੀਰੀਅਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੈਡ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਮ ਇਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। इमोशन जब तक स्ट्रोंग नहीं है, एक्शन थोड़ा ना एक्शन चंगा नहीं लगता, मतलब बिना गलों असी तो कहें नहीं, खैर लड़ाई या किसी तरह का एक्शन भी असी प्रमोट नहीं करते, बट हाँ एक जिवें एक पंजाबी परिवार की गल है जी, एक पंजाबी पिता की गल आ भी उहदे परिवार ते जे कोई कल नूं निक्की हुंदी है या भी उस किहड़े किस कदर जा सकता, किहड़े लैवल तक जा सकता, ये वो ही एक दिखाउण की कोशिश की आ। एक्शन बेसिकली बैकड्रॉप है, जिन्हों एक्शन बेसिकली गिफ्ट रैपिंग है, डब्बे के उपर आपां नूं रैप किया एक्शन नाल, जिहड़ा विचकारला कंटेंट है दैट इज़ प्योर फैमिली ड्रामा, इमोशंस एंड ट्रैजेडी एंड अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। मतलब हासे ठट्ठे वाले ज़्यादा सीन्स इहदे विच नहीं हासे वाले नहीं होणगे जी, हासे वाली फिर उही गल आ, मैम 100 फिल्मां बनदियां, जिहड़े नवें होर हासे वालियां ने असीं एक थोड़ा जिहा अलग ट्रैक तारन की कोशिश की आ। जे हाँ जी, जे इहनूं एक्सैप्ट कर ले तो नथिंग लाइक इट, जे ना किया तो लाइक एवरी टाइम इट्स लर्निंग गेम, कुछ सीख के कुछ फिर दोबारा ट्राई करांगे जी। नाम भी बड़ा इंटरेस्टेड जहा, मतलब इंटरेस्टिंग नाम है जूनियर, ये नाम जूनियर किदा रखा तुसी? मैम ये हुण जिवें तुसी ये मैनूं लगदा हर एक जना ये सवाल जरूर करता, सो मैं लगता जूनियर टाइटल रखना ही साडी सफलता है, क्योंकि ये असी इहनूं एक सवाल का रूप दे सके आ। इहदा होर कोई कंसर्न नहीं सीगा जी, ये सानूं नाम अट्रैक्ट करता सीगा, सानूं एक पैन इंडियन नाम लगता सीगा, एक हर पंजाबी का सुनिया हुआ नाम है, हर बंदे नूं पता जूनियर का मतलब की आ या क्यों कहा जाता या किहनूं कहा जाता। सो ये मतलब ये नाम रखने पिछे मेन वजह यही सी भी जिहड़े बंदे दा किरदार आ या जिहड़े उहदे काम ने या कारनामे ने उहदे नाल उहदा नाम बिल्कुल उल्ट होवे, जिहड़ा कल नूं एक सवाल का रूप लवे, जिहड़ा कल नूं एक क्यूरियोसिटी का रूप लवे, जिहड़ा कि आई थिंक इहनां ने ले लिया। तुसीं जिवें दस्सिया कि बचपन तो ही मार्शल आर्ट दीआं क्लासिस तुसीं लईआं होईआं ना, है ना, तो मतलब पहलां कदी सोचिआ सीगा कि मैं इस अपने मार्शल आर्ट नूं कुछ इस तरीके दे नाल मतलब अपने प्रोडक्शन 'च लैके जावां या खुद कुछ करांगा, क्योंकि बंबू काट हिट गई, वेक बराता चलीआं बहुत वधीआ चली, है ना, मौड़ ने तां धमाल मचाती, है ना, तो किदां मतलब की तुसीं सोचिआ सीगा कि मैं मतलब पहलां कुछ करां या हुण ही इहनूं क्यों कीता तुसीं? मैम एक्शन का ज़्यादा कुछ उम्मीद सोचा नहीं सीगा मैनू, इनफैक्ट जो मेरे मदर लैके जाते होंगे सके मार्शल आर्ट क्लासेस उदो तो मैं तंग ही हुंदा सीगा जी, मैं कहिंदा सीगा भी मसां स्कूल तो छुट्टी मिलती है जी, विच कपड़े बदल के आपां फिर उधर भज्जण चल जाईदा, उदो नहीं सी पता उन्हां नूं, ज़्यादा पता सीगा भी ये चीज़ किवें कदों उन्हां नूं, खैर उन्हां नूं भी नहीं सी पता भी ये एक्टिंग करूँगा कल नूं या उहदे च कम आऊगी, बट उन्होंने कहा भी एक स्किल आ एक मेरे बेटे नूं आउणी चाहीदी है, बट मैं इन्ना शुक्रगुजार हाँ जी उन्हां दे उस फैसले का भी अज असीं इस प्रोजैक्ट नूं, हुण इस प्रोजैक्ट 'च एक्शन जे माड़ा मोटा थलड़े लैवल का हो जाए या लो लैवल का हो जाए, ये फिल्म में वो रिस्पोंस नहीं मिलना जिहड़ा हुण मिलता पिया। सो जे सिनेमाटोग्राफी वधिया, जे इहदे नाल म्यूजिक वधिया, सारा कुछ वधिया, उहदे च एक छोटी चीज़ आ भी एक्शन नूं जिस तरीके नाल परफॉर्म किया ते करवाया गया एक्शन डायरेक्टर्स वल्लों, उन्हां नूं भी नंबर पूरे मिलते हैं, तां ही एक पैकेज वधिया बनिया जी। बिल्कुल, इस दे नाल जिहड़े होर भी किरदार तुहाडे नाल काम कर रहे हैं जिवें लीडिंग मतलब योगराज सिंह होणे भी काफ़ी मतलब नामवर ने, उन्होंने मतलब बहुत टाइम का उन्होंने एक्सपीरियंस है, तो होर भी बहुत सारे कलाकार इस मूवी 'च तुहाडे नाल काम कर रहे हैं, उन्होंने नाल एक्सपीरियंस किहो जिहा रहा? जे मैं खासकर सृष्टि जैन की गल करा तो इन्हां नाल तुहाडा एक्सपीरियंस किदा दा रहा, की कुछ सिखाउणा पिया तुहानूं? मैनू तो बहुत घट जोर लगा जी, मेरा सिर्फ पंजाबी दे शब्द जिहड़े इन्हां दी आउट ऑफ पंजाब इन्हां दी भाषा 'च भब्बा घग्गा वर्गे शब्द, राड़ा नहीं फसदा, ये नन्ने नाणे 'च भुलेखा हुंदा वी नन्ना कदों लगना नाणा कदों लगना, तो भब्बा घग्गा जिहड़ा ने वो शब्द इन्हां को है नहीं, है ना,
तो मेरा जो जोर लगा तो सिर्फ इन्ना क लगा भी वह पब्बा बुलवा लेना जी वो बाकी पंजाबी इन्होंने कहिंदे ज़्यादा ने भी मैंने पंजाबी बोलने तकलीफ हुई इन्हों बिल्कुल नहीं हुई इन्हों स्क्रिप्ट देते दे सारे बुलाने हट जाते शाम तक सिर्फ याद करते ताकि ऐ ना हो भी मैं शब्द याद करती करती इमोशनस वीक पै जा या इमोशन याद करती करती शब्दों हौली पै जा सो इन्होंने दोनों चीज़ों बराबर 100% दिता इन्होंने बहुत बाखूबी निभाया तो सब तो ज़्यादा सपोर्ट एज एन एक्टर एज अ को स्टार इन्हों की रही है जिहड़े योगराज सिंह जी ने या कबीर बेदी भाई जी अंकल ने या जिहड़े अपना प्रदीप रावत जी ने यह तो मतलब थोड़े वैसे ही फादर फिगरस बहुत बहुत वड्डे एक है ना लार्जर दैन लाइफ किरदार ने सो इन्ह का सैट तो होना इन्ह का आशीर्वाद होना इन्ह का पुत पुत कह के गल करना वो वैसे ही अपने आप से एक बहुत भरवा हुंगारा हुंदा जी जिस टाइम तुम इन्होंने पंजाबी सिखाई आप तो नहीं कन्फ्यूज हो गए क्योंकि कई बार होंगे किसी दूसरे को सिखाते हैं तो आप भुले जाने नहीं 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 इन्हों की हिंदी थोड़ी जी भुलाती थी फिर पंजाबी वेले नहीं होया कुछ मतलब इदा एक यार अनमुले शायद वो आया से जिस कपड़ा भंगड़ा सिखा नहीं एक मूवी से जिद बुर्रा ची शायद भंगड़ा कपड़ा कुछ इदा करके सिखाते तो तुम फिर कह हो जे शब्द बोल के इन्होंने सिखाते थे ये पब्बा कि क्लीयर किया दस पब्बा वो बोल बोल के हुण इंग्लिश असीं इहनूं सिखांदे सीगे ये कहिंदी सी भी लिख के दसो भी पब्बा लिखोंगे किवें मैं क्या हुण बी एच लिखांगे कहिंदी बॉय तो मैं कल्ला पी लिखोंगे कहिंदी पॉय पब्बा तुसीं अंग्रेजी लिखो मैं बोलां फिर मैं क्या अंग्रेजी जे इहनूं पब्बे नूं लिखणा ना तां इहनूं पी ते बी इकट्ठा लिख दिओ भई पी ते बी इकट्ठा लिख दिओ उहनूं बोलण दी कोशिश करो पब्बा उह बणेगा फिर उदों इहनां नूं माड़ा जिहा तां फिर निकलना शुरू होया फिर बोल बोल के प्रैक्टिस कर करके फिर हुण पब्बे गगे नाले थोड़े होए बैटर होए ने इस मूवी नूं लैके एक्साइटमेंट तां तुहाडे सोशल मीडिया ते नज़र आउंदी है तां किन्ना क ज़्यादा मतलब इस टाइम तुसीं किन्ने क ज़्यादा तुहाडे मन दे विच चाह इस मूवी लैके की फीलिंग्स ने या खास क्यों है जूनियर तुहाडे लई मैम चाह फीलिंग्स बयान भी नहीं कीतियां जा सकदियां मतलब जिन्ना ट्रेलर नूं टीजर नूं रिस्पोंस मिलिया सानूं इक टेंशन सीगी भी असीं नवे चेहरे आ है ना जी नवे चेहरे नूं इक एक्सेप्टेंस पूरी आवाम मिलो मिल जानी एक बहुत वड्डा स्ट्रगल हुंदा तुहानूं बे इंतहा पैसा लाना पै जांदा एडवर्टाइजमेंट करनी पै जांदी आ सानूं मतलब उहदा 10% भी नहीं करना पिया साढ़े कंटेंट नूं इन्ना कु एक्सेप्टेंस ऑलरेडी आपे मिल गई उस प्रेस का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जी इन्होंने गल जी अगे लोगों तक पहुँचती की करते रहे बई दिने चार चार दिन पोस्टा पाया सारे ने तो ऑडियंस में ओबियसली कंटेंट भी ऑडियंस ने ता ही एक्सैप्ट किया सो वोड़ा धनवाद सारे का जी ऑडियंस का धनवाद आ जिन्ना जोर सूँ लगा ही भी सू ला पैना उन्ना लाना पिया नहीं पर बावजूद भी असं होर जोर लाने की कोशिश कर रहे हैं भी फिल्म जो अज एक्सैप्ट हुई है तो इनू कि होर व्डा कर सकी साड़ी कोशिश है उम्मीद की इस फिल्म को लैके अगे तो सा दर्शकों की सुने है उम्मीद मैम सिर्फ ये भी जिन्ना प्यार ट्रेलर टीजर मिले उन्ना ही प्यार फिल्म मिले जी पैसा पैसे वाले पास कोई ध्यान नहीं क्योंकि मैं हिसाब ला लिया 6-7 फिल्मों करके भी ध्यान दत्या भी थोड़े हाथ तो होना नहीं ये उ गल की कचहरी गल पहुँच गई है जी इंसाफ तो फैसला उन्हों का है तो असी उस पासे बिल्कुल ही नहीं सोचते पे सानू सिर्फ प्यार इज्जत तो ये मतलब है भी साडा कंटेंट लोग वेख के कहने यार भी थोड़ा एक थोड़ी कोशिश आ एक पंजाबी सिनेमा कोई एक नवी चीज़ पेश करन दी हुण तक वो पास हुई है साडी फिल्म वेख के भी लोग पास कर देना बस धन्यवाद सो बिल्कुल इस नाम अमीक विरक जिन्हों के नाल गलबात की है तो 18 अगस्त को ये जो जूनियर है वर्ल्ड वाइज सिनेमाघर रिलीज़ हो जा रही है तो मूवी को देख के कमेंट बॉक्स के जरूर लिखियो कि तुम्हें यह मूवी जी किस तरीके की लगी खासकर अमीक होना की एक्टिंग किमें लगी क्योंकि डेब्यू फिल्म है इन्हों की जो भी थोड़े विचार होंगे कमेंटा राही जरूर दस्यो कैमरा परसन राजन मनप्रीत कौर दे टीवी जलंधर।